नई टैबलेट दे दी है, बल्कि एक और इंसुलिन. एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर रंधावा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज, मेयो हॉस्पिटल लाहौर, रिकमेंडेड वंस अ डे यूज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन लैंटस rather than the current regimen of twice a day. The dose of insulin can be adjusted according to blood glucose level after the above two changes. Ye bhi inko hospital mein rakke karna chahiye. Dr. Adnan ne bhi agar unke liye koi decision lena hota hai, unki koi medication mein zara si bhi tweaking ki zarurat hoti hai, usko badhana ya kam karna hota hai, to it is in consultation with his doctors abroad, जिसमें उनका सर्जन भी शामिल है, जिसमें उनका कार्डियोलॉजिस्ट भी शामिल है, जिसमें उनके वो लोग शामिल हैं जो उनकी सर्जरी और इलाज पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं. हमने कभी भी उनको एक एडिशनली कोई, हाँ, इतने बड़े बड़े उनकी सेहत के बारे में फैसले हो रहे हैं और किसी ने इतनी तकलीफ गवारा नहीं की कि वो या फैमिली को इतला कर दे, बेटी को इतला कर दे, या डॉक्टर अदनान को इतला कर दे. सबके नंबर सबके पास हैं. उसके बाद उन्होंने कोई डायट्री रिकमेंडेशंस जिसमें लो सॉल्ट, मॉडरेट प्रोटीन इनटेक और एडवाइस टू स्टे वेल हाइड्रेटेड, फैट्स रिस्ट्रिक्शन इन फूड. और उसके बाद ये फरमाते हैं कि लाइफ जो कि मियाँ साहब करते हैं ऑलरेडी. पॉइंट नंबर 8, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आप इसको प्लीज जरा ध्यान से सुनिएगा. द बोर्ड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वॉज re-emphasized, emphasize नहीं किया, re-emphasize किया है. इसका मतलब है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं, that he should undergo further tests and management at any center of his choice within Pakistan. तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स कह चुके हैं पहले भी, शायद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी दफा ये re-emphasize कर रहे हैं कि मियाँ साहब को hospitalization की जरूरत है. ना सिर्फ उनके फर्दर टेस्ट होने चाहिए, बल्कि उनकी जो मैनेजमेंट है ब्लड प्रेशर की, ब्लड शुगर की, उनके एंजाइना की, वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में रख के की जानी चाहिए. और आखिरी पॉइंट उनका ये है कि द बोर्ड डिलिबरेटेड दैट इन लाइट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, इंसान की गवर्नमेंट कभी ये गिनवाए कि उस पेशेंट ने आज क्या खाया, और ये कि मैं उसका खाना बंद कर दूंगा, मैं उसका एसी उतरवा दूंगा. आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मियाँ साहब की सेहत के मामले में, और जो इतनी क्रिमिनल नेग्लिजेंस किसी की ज़िंदगी और सेहत के साथ कर सकता है, कि बार बार उसके अपने भेजे गए डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस को उन्होंने ना सिर्फ ये कि छुपा के रखा, इतनी एक थ्रेटनिंग कंडीशन है उनकी, उसको छुपा के रखा उनकी फैमिली से, खुद मियाँ साहब से, उनके डॉक्टर से. आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मियाँ साहब के सेहत के हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर्स की आई हैं, तो डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस तो ये भी हैं कि उनके कमरे का जो एसी है उसको, या उनके कमरे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए, और 18-18 घंटे उनकी बिजली बंद रहती है. तो इस रिकमेंडेशन पर अमल नहीं हो रहा. उसके बारे में हमें अमरीका से, बजाय इसके कि वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पर बात हो, वहाँ ये धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं खाना बंद कर दूंगा, मैं एसी बंद कर दूंगा. और आप ऐसे इंसान से मैं तवक्को करूं कि वो जो डॉक्टर्स की एडवाइस है उसके ऊपर वो मियाँ साहब का खाना जेल की प्रेमिसेस के अंदर बनेगा, और वो बड़ा सुपरवाइज्ड होगा. कौन उसको सुपरवाइज करेगा और वो मियाँ साहब की सेहत के लिए कितना अच्छा होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं. तो मैं अब एक तो ये कौम के सामने ये हकायक रखना चाहती थी, कतई नज़र इससे कि उनके जो उनका केस है वो इस वक्त उस एविडेंस के बाद जो वीडियो की सूरत में हम सब के सामने आया, वो केस की क्या स्टैंडिंग है. उस जज को निकाल दिया गया, लेकिन उसका फैसला आज भी वहीं का वहीं है. और उस जज की खिलाफ एक्शन के बाद इंसाफ तो ये कहता है कि वो जजमेंट भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि वो खुद फरमा रहे हैं कि ब्लैकमेल करके उनसे ये जजमेंट ली गई. तो मियाँ साहब क्यों जेल में, इस बात से कतई नज़र मैं सिर्फ कौम के सामने ये सवाल रखना चाहती हूँ कि वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, क्या वो इस सलूक का मुस्तहिक है? क्या ये उसका आईनी और कानूनी हक नहीं है
कि उसको उसकी तबीयत के बारे में बताया जाए, उसको ये बताया जाए कि उसको डॉक्टर्स ने हॉस्पिटलाइजेशन रेकमेंड की है और उनको क्या क्या थ्रेट्स हैं, या उनके डॉक्टर को की नॉलेज में ये बात लाई जाए या उनकी बेटी के नॉलेज में ये बात लाई जाए, मैं इससे क्या नतीजा अख्ज करूँ, ये मैं कौम के सामने सवाल रखना चाहती हूँ कि मुझे इसको कहने में कोई आर नहीं है, ये एविडेंस है जो ये सपोर्ट करता है इस बात। के साथ भी खेल रहे हैं, उनकी सेहत के साथ भी खेल रहे हैं, और मुझे इसमें बहुत सिनिस्टर और ख़तरनाक चीज़ों की मुझे इससे बू आ रही है। तो मैं अब अपने वकला से मशवरा कर रही हूँ और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं 22 करोड़ अवाम को गवाह बना के आपके थ्रू ये बात उनके इल्म में लाना चाहती हूँ। और मियाँ साहब को घर का खाना नहीं जा रहा, मियाँ साहब को मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या खिला रहे हैं, इतनी हमदर्दी की तवक्को तो मैं इनसे नहीं रख सकती जो उनके डॉक्टर्स की क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बावजूद उनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं करा रहे, तो मुझे उनसे ये तवक्को नहीं है कि वो उनको वो वाला खाना भी दे रहे होंगे जो डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया। तो इस सिलसिले में मैं इंशाल्लाह ताला कोर्ट से राबता करूँगी, मैं कोर्ट में जाऊँगी और इसके लिए मैं वहाँ पर लीगल एक्शन भी लूँगी, लेकिन मैं आपके थ्रू इसको कॉम के नोटिस में लाना चाहती थी। देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक मैं बात पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी और मैं उनको इन्वॉल्व करूंगी ताकि वो इसको, क्योंकि जब हमारे मुल्क में आपने एक नाकाबिले तर्दीद सबूत सामने रख दिया और उसके बावजूद आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली मुझे हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि इस मुल्क में सब कुछ सबके सामने आने के बाद मैं अभी तक इंसाफ क्यों ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। आपको कितनी उम्मीद है कि ये जवाब मेरे टीवी पे चल जाएंगे? पूरी उम्मीद है, कहीं नहीं चलेगा। सोशल मीडिया कवर कर रहा है जी, वो चल। वेरी गुड। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि इंडिया ने इस बारे में क्या कहा है उनको या नहीं कहा, वो तो वो खुद बता सकते हैं। मुझे जिस बात की तकलीफ हुई वो ये है कि कश्मीर पे बातचीत का जो पॉइंट था या वो जो आगाज़ था वो सिलेक्टेड की तरफ से नहीं आया, उसका आगाज़ ट्रंप ने किया था, उसको मेंशन ट्रंप ने किया था, जबकि वो पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था। ये बहुत अफसोसनाक बात है। उसके बाद आप कहें जी हाँ बड़े लोग आपको दुआएं देंगे अगर आप ये करेंगे, तो आपको बजाय इसके कि आप वहाँ पर जाके अपोजिशन की बातें करें और अपने आप को मज़ीद एक्सपोज करें, आपको मसला कश्मीर की बात ज़रूर खुद करनी चाहिए थी इससे पहले कि कोई आपके मुंह में वो अल्फाज डालता। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आपको वो भी याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस में मियां साहब ने बुरहान वानी का मुकदमा किस तरह लड़ा था, किस तरह वो तस्वीरें एल्बम बना के वहाँ पेश की थी, और किस तरह पहली दफ़ा ये वहाँ पर जो बुरहान वानी का मुकदमा जिस तरह उठाया गया था, जिस तरह वो ओबामा के साथ जो मुलाकात हुई थी उसमें मसला कश्मीर का जिक्र जॉइंट स्टेटमेंट में आया था, ये होता है तरीका आवाज़ उठाने का। ये नहीं कि ट्रंप साहब बैठे आवाज़ उठा रहे हैं या वो पॉइंट उन्होंने रेज किया तो आप आगे से कि हाँ जी ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। देखें वन बाय वन, देखें
بات یہ ہے کہ انصاف ملے گا مجھے امید نہیں, مجھے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے انصاف ملے گا. کل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس میں سن رہی تھی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی, انہوں نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک اگریفڈ پارٹی جو ہے وہ کورٹ میں کیوں نہیں گئی. تو میں ایک بہت ادب سے یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر اف اٹ ور دی ادر وے اراؤنڈ, اگر میرے بارے میں یا میاں صاحب کے بارے میں یا پی ایم ایل این کے کسی بھی ممبر کے بارے میں کوئی ویڈیو سامنے آتی جس میں کوئی ایسا ایویڈنس ہوتا جس میں جج کو یہ کہا جا رہا ہوتا کہ آپ آئیے اور آپ کو ہم رشوت آفر کر رہے ہیں یا آپ ایسی کوئی ہمارا کوئی ساتھ دیں یا اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہوتا, اور اگر وہ کوئی ہمارا مخالف منظر عام پہ لے آتا, تو کیا تب بھی جو کورٹ آف لا ہے وہ اس چیز کا انتظار کرتا کہ اگریوڈ پارٹی پہلے کورٹ میں جائے؟ کیا یہ 184(3) کا معاملہ نہیں بنتا؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ جو ویڈیو ہے وہ جھوٹ ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو سچ ہے, اور وہ ویڈیو اویلیبل ہے یا نہیں, ایف آئی اے میں نے انویسٹیگیشن تو شروع کی ہے, اور کل وہ جو صاحب ہیں اٹرنی جنرل صاحب, انہوں نے کہا میں وہ ویڈیو لینے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ 40 ویڈیوز میں نے بانٹی تھیں, آپ سب کو یاد ہے نا, ایک آڈیو بھی تھی اور ایک ویڈیو بھی تھی. اور آپ کو میں آج یہ بات بتا دوں کہ اس دن کورٹ میں یہ مینشن ہوا کہ کوئی آڈیو اور ویڈیو کوئی ایسی ہے جیسے وہ کوئی مکس ہوئی ہوئی ہے. میں آج دوبارہ کلیئر کر دوں کہ وہ دو چیزیں تھیں, دو, ایک آڈیو سائملٹینیسلی ریکارڈنگ ہوئی ہے, کیونکہ جو جج صاحب کے قریب ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ کی تھی, اس لیے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے, ان کو یہ ڈر تھا کہ دور سے شاید آواز نہ آئے. لیکن ویڈیو اور آڈیو سائملٹینیسلی ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے, ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے. ویڈیو کی بھی آواز ہے, یہ نہیں کہ آپ ویڈیو کی آواز نہیں سن سکتے, وہ دونوں ایک ہی چیزیں سائملٹینیسلی ہوئی ہوئی ہیں. تو پتہ سب کو ہے کہ وہ, اور اگر وہ ویڈیو چاہیے تو وہ 40 میں سے کسی ایک سے وہ آڈیو بھی لے سکتے ہیں, ویڈیو بھی لے سکتے ہیں, اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے. ایک منٹ, انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یا اس کا فورینزک جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. آئی تھنک پاکستان میں جو پنجاب فورینزک لیب چیف منسٹر پنجاب اس وقت کے شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب ہے, اس میں کم از کم ٹھیک ہے, بہت ڈیٹیل شاید اس کی نہ سامنے آ سکے, لیکن یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ ویڈیو اوتھینٹک ہے کہ نہیں, اور یہ میرے خیال ہے اس کو کرا چکے ہوں. دیکھیں میں, اچھا ایک بات سنیں, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی, ون بائی ون کر کے پوچھ لوں. دیکھیں میری بات سنیں, میں تو ہر چیز میں میں یہ توقع کر رہی ہوں کہ مجھے ہر جگہ گھسیٹا جائے گا. جس دن میں نے ویڈیو ریلیز کی تھی میں نے اس دن آپ کو کہہ دیا تھا, سب کو, میں نے پتہ نہیں اس میں آپ میں سے کتنے حضرات اس دن موجود تھے, میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اس کے بعد میرے پہ مشکلات آئیں گی, لیکن یہ میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت مجھے عوام کے سامنے رکھنا تھا, چاہے اس پہ مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ اب میرے پہ کریک ڈاؤن شروع ہوگا. اور آپ دیکھیں اس میں, سب سے پہلے اگر میں ویڈیو اسکینڈل پہ ہی آ جاؤں تو جج کے خلاف ایکشن ہو گیا, ججمنٹ وہیں کی وہیں کھڑی ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور جو ثبوت سامنے لے کے آئے ہیں, بجائے اس کے کہ اس جج کو پکڑا جائے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, آپ وہ جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا, یہ دیکھیں میں لکھ کے تو میں کچھ بھی دے دوں گی, مجھے کوئی کنفرنٹ کرنے والا ہے ہی نہیں, آپ بلائیں جج کو کٹہرے میں, آپ دیکھیں کہ وہ اپنے ایک جھوٹ کے ساتھ ایک منٹ کے لیے اسٹینڈ نہیں کر سکتا. میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ جج جو ہیں وہ جس, اگر ان کو میاں صاحب نے یا کسی نے بھی ان کو ڈیورنگ مقدمہ, جب مقدمہ چل رہا تھا, ان کو اگر بلیک میل کیا تھا یا ان کو رشوت آفر کی تھی, تو جج صاحب کا فرض تھا کہ وہ کھڑے ہو کے عدالت میں میاں صاحب جب ایز ملزم ان کے سامنے پیش ہوتے تھے, وہ کھڑا کر کے کہتے میاں صاحب ذرا کھڑے ہوں, آپ نے کل مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ یہ رشوت لے لیں یا یہ بلیک میل کرے تھے, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, چلو اریسٹ کرو میاں صاحب کو. وہ یہ کر سکتا تھا نا, اس کو اچانک ویڈیو کے بعد یاد آیا
کہ مجھے کسی نے بلیک میل کیا تھا یا مجھے کسی نے کوئی رشوت آفر کی تھی, اس کا کوئی ثبوت بھی ہو؟ میں نے تو ثبوت دیا, میں نے تو الزام نہیں لگایا, میں نے ثبوت دیا, تو آپ بھی ثبوت دیں. تو اتنی فلمزی ان کی آرگیومنٹس ہیں کہ مجھے کسی نے کچھ پلا دیا, مجھے کچھ کھلا دیا, ہر دفعہ ان کو کسی نے کچھ کھلا دیا, کچھ پلا دیا. بڑے وہ معصوم آدمی ہیں جو کھاتے پیتے بھی رہے اور پھر خود ان کو اپنے گھروں میں بلاتے رہے, اپنی سرکاری گاڑی بھیج کے, اور کیا کہتے رہے کہ آؤ مجھے بلیک میل کرو, ہنس ہنس کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کو اپنے گھر میں بلا رہے ہیں, ذاتی گھر میں بلا رہے ہیں, اپنی سرکاری گاڑی بھیج کے, گرین نمبر پلیٹ والی جس کا ثبوت میں نے دیا ہے, ان کو بلا رہے ہیں اور ان کو گھر میں جوس بھی پلا رہے ہیں, چائے بھی پلا رہے ہیں, کیک بھی کھلا رہے ہیں, خود گھر میں آ کے لائٹس آن کرتے ہیں, ناصر بٹ صاحب کے گلے ملتے ہیں, میں نے ثبوت دیا. تو وہ کیا یہ آپ کو کہیں سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ کسی بلیک میلر سے مل رہے ہیں؟ تو جھوٹ بولتے ہوئے بھی انسان کو تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک منٹ, میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. جھوٹ بولنے میں بھی تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے, اور بجائے اس کے آپ کے جج کو کٹہرے میں کھڑا کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر میں آپ نے میرا نام ڈلوا دیا, ایف آئی آر میں آپ نے ان لوگوں کا نام ڈلوا دیا جو ساتھ بیٹھے ہوئے. بھائی ہمیں جب کہیں سے انصاف نہیں ملے گا, ایک تین دفعہ کے وزیر اعظم کو بے قصور جیل میں رکھا ہوا ہے, تو ہمارے پاس اور کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ میں نے تو ریکارڈنگ نہیں کی, مجھے تو ناصر بٹ صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے, انہوں نے میاں صاحب کا ایک, جب تک وہ ریکارڈنگ میرے ہاتھ میں نہیں آ گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے, میں نے عوام کے سامنے رکھی. تو بجائے اس کے کہ آپ اس بات کا سوال کریں کہ کس نے جج کو بلیک میل کیا, کس نے ان کو ان کی وہ ریکارڈنگ کی, کس نے ان کو میاں صاحب کے مقدمے میں بلا بلا کے یہ کہا کہ یہ فیصلہ میاں صاحب کے خلاف دو, جبکہ اس مقدمے کا جو سپرویژن ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کر رہے تھے, تو ان کو شاید نہیں بنتا تھا, ان کو پتہ نہیں چلا کہ میاں صاحب یا کوئی شریف فیملی میں سے یا پی ایم این میں سے ان کو بلیک میل کر رہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں میں دیکھیں, انصاف تو یہ کہتا ہے نا کہ جج کو بلا کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور اس سے یہ سوال پوچھیں کہ تمہیں کس نے بلیک کیا, تمہیں کس نے کہیں کمرے میں بلا کے بٹھایا اور کہا کہ یہ چائے پیو, ہم آتے ہیں, اور تمہاری ویڈیو چلا دی ٹی وی کے اوپر, اور جب دو چار منٹ وہ ویڈیو کوئی چل کے, وہ ویڈیو کیا ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی, اور آپ یقین کریں کہ میں نہ وہ میاں صاحب نے ویڈیو دیکھی ہے جو ان کی 2002-03 میں, کب کہا انہوں نے کہ بنی ہے, 2002-03 میں جو ویڈیو بنی تھی, نہ میاں صاحب نے دیکھی نہ میں نے دیکھی. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اور میاں صاحب نے, جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی کوئی ویڈیو ہے, میاں صاحب جیل میں تھے اس وقت, میں نے اور میاں صاحب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہماری کوئی بے گناہی کا ثبوت آئے نہ آئے, جو پرسنل ویڈیو ہے ان کی نہ ہم وہ دیکھیں گے نہ ہم اس کو کبھی استعمال کریں گے. یہ میرا اور میاں صاحب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تھی. اور تبھی مجھے سننے میں آیا ہے کیا تھا, اور وہ ویڈیو دکھا کے جج صاحب کو بلیک میل کیا گیا میاں صاحب کے مقدمے کے دوران, تو اصولاً تو پوچھ کے چاہیے ہونی چاہیے نا کہ وہ ویڈیو کس نے دکھائی جج صاحب کو, کس نے کہا کہ میاں صاحب فیصلہ دو میاں صاحب کے خلاف, کس نے کہا میرے پاس تو یہ ثبوت ہیں, کس نے کہا کہ ایک مقدمے میں چھوڑ رہے ہو, کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس مقدمے پہ پینما کا فیصلہ ہوا ہے, میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے, اس مقدمے میں تم نہیں چھوڑ سکتے میاں صاحب کو. اور پھر کس نے ان کو کہا کہ 7 سال نہیں ان کو 10 سال سزا ہونی چاہیے؟ کس نے ان کو کہا کہ تمہارے جو ریڈر ہیں جس کو تم جا کے یہ سب کچھ لکھواتے ہو, وہاں سے کون جا کے انفارمیشن پوری لیتا تھا کہ آج جج نے مقدمہ سننے کے بعد, ہیئرنگ کے بعد اپنے ریڈر کو جا کے یا اپنے جو اسٹینو کو جا کے کیا لکھوایا ہے؟ اور پھر جج صاحب نے کہا کہ میرے پہ اتنا پریشر تھا کہ میاں صاحب کو, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایویڈنس کے اپنے پاس سے ڈال دوں, تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ جنگ کے حالات ہیں, تو جنگ کے حالات میں قانون اپلائی نہیں ہوتا, یہ سب ایویڈنس میرے پاس ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات اس دن عدالت میں کہی تھی کہ اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا, اور میرے لیے بہت آسان ہے, بہت بڑا. ایک منٹ دیکھیں, بات کرنے دیں, اس کے بعد میں آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گی.
لیکن میرا مسئلہ کوہرام مچانا نہیں ہے، میں نے صرف اتنا ایویڈنس سامنے میں لے کے آئی ہوں جو میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ میری درخواست اور میری گزارش صرف یہ ہے کہ میاں صاحب کی اس ثبوت کے پیش نظر میاں صاحب کی جو سزا ہے، جو ان کو بے گناہی میں ہوئی ہے، اس سزا کو سٹرائک ڈاؤن کریں، اس مقدمے کو ختم کریں۔ ری ٹرائل نہیں کرنا، ری ٹرائل کس بات کا کرنا ہے؟ ری ٹرائل تو تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو ایسا لگے کہ جی جج کے اوپر کوئی چھوٹا موٹا انفلوئنس تھا، تو جج سے کوئی غلطی ہو گئی، تو یہ کوئی چھوٹا انفلوئنس تو ہے نہیں۔ مجھے اگر کرنے والے جنہوں نے جج کو بلیک میل کیا ہے، مجھے کیا گارنٹی ہے کہ کل کو جب ری ٹرائل کے لیے مقدمہ جائے تو اس جج کو بھی بلیک میل نہیں کیا جائے گا؟ اور جو جج صاحب کے اپنے ایڈمیشنز ہیں، کنفیشنز ہیں، جن کو وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے اوپر ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، میاں صاحب کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز کا بھی کیس نہیں بنتا، ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ نہ الزام ہے نہ ثابت ہوئی ہے، تو اس میں ری ٹرائل کی گنجائش کہاں سے آ گئی؟ ری ٹرائل میں ایسا کیا نیا آ جائے گا جس کے اوپر ری ٹرائل ہوگا؟ میں ری ٹرائل بالکل، مجھے ری ٹرائل منظور نہیں ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش آج پھر آپ کے سامنے ہائر جوڈیشری سے یہ کروں گی کہ آپ کے سامنے ایک ایررفیوٹیبل ایویڈنس آ گیا ہے، آگے بڑھیں، بے گناہ کو انصاف دیں، جج کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ ویڈیو آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہے، کسی بھی صحافی سے آپ لے سکتے ہیں، آپ خود اس ویڈیو کو بغور دیکھیں اور آپ خود یہ بات کا اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی، اور اس کا کیس جو ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیں، ان کو با عزت بری کریں اور ان کو رہا کریں۔ اس کے بعد آپ کی باری، اس کے بعد آپ نے، اے میری بات سنیں، آپ کو یہ تو جج صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں ملے تھے۔ میں مجھ سے اگر کبھی یہ بات پوچھی گئی تو میں ضرور بتاؤں، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ میں نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ میاں صاحب کے جیل جانے کے بعد ان کو بار بار یہ میسج بھیج رہے تھے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے رات کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، اور مجھے میں دو دفعہ عمرے پہ جا چکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ، میں ایک دفعہ پہلے وہ عمرے پہ گئے، پھر انہوں نے میاں صاحب کو میسج بھیجا، اس وقت میاں صاحب گھر پہ 6 ہفتے کی ریلیف جو علاج کے لیے ان کو ملی تھی اس پہ وہ گھر آئے ہوئے تھے۔ انہیں بار بار یہ میسج، جب انہوں نے کہا مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو میاں صاحب نے جواب دیا جو بندہ میسج لاتا تھا کہ آپ میرے سے کیا معافی مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آپ نے ایک بے گناہ کو سزا دے دی ہے، تو میں آپ کو اب کچھ نہ دے سکتا ہوں نہ لے سکتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو پھر وہ عمرے پہ گئے، عمرے کے بعد واپس آ کے انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، مجھے آپ بھی مجھے موقع دیں، میرے ضمیر پہ بوجھ ہے، میں ابھی آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں۔ لیکن میں یہ ضرور بتا دوں کہ جو جج صاحب نے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے، جج صاحب جو کہانیاں گھڑ کے بتا رہے ہیں، ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس اس ہر چیز کا نہ صرف جواب موجود ہے بلکہ ثبوت بھی موجود ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں، اگر آپ مجھے یہ کہیں گے تو میں کبھی نہیں مانوں گی، آپ باہر جا کے کسی ریڈی والے سے پوچھ لیں، وہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں۔ اور یہ جو، اگر وہ پبلک یہ سب نہ جانتی ہوتی تو کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے پی ایم ایل این کو وکٹمائز کرے، اور کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ مریم نواز شریف کے اوپر مقدمے بنائے، کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ میاں نواز شریف کو جیل میں رکھے، کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ شاہد خاقان عباسی کو ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کرے، کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر منشیات ڈال کے گرفتار کرے، کسی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ جگہ جگہ جا کے کل حلف نامے سائن کرائے ہیں پولیس نے،
एमएनएस से, एमपीएस से, जिले चेयरमैन से कि मैं हल्फन ये इकरार करता हूं कि मरियम नवाज की रैली में मैं नहीं जाऊंगा। और अगर खौफ नहीं है, अगर अवाम का इतना खौफ नहीं, फैसलाबाद में जो 3 बजे रात को एक अवाम का समंदर निकला था, अगर उसका खौफ नहीं है, अगर जो मंडी बहाउद्दीन में अवाम का समंदर निकला था आधी रात को 1 बजे, जो कि 9 बजे सोने वाले लोग हैं, YBG करने वाले लोग हैं, वो सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के खेतों में जाने वाले लोग हैं, अगर ये खौफ नहीं था तो ये जो मरियम नवाज की आवाज़ बंद कर दी, सहाफ़ियों को उठा लिया, सेंसरशिप लगा दी, रैलीज के ऊपर ग्राउंडों में पानी भर दिया, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ शुरू। अब मुझे ये बताएं, कल फैसलाबाद में 5 या 6 हज़ार लोगों के खिलाफ मुकदमा, एक तरफ तो आप कहते हैं मुस्लिम लीग नून की रैलियों में लोग नहीं आते, तो 6 हज़ार पे तो सिर्फ मुकदमा बन रहा है, 6 हज़ार का तो पूरा जलसा हो जाता है। एक मिनट, तो अगर आपको खौफ नहीं है, अगर आपको इस बात का खौफ नहीं है कि पब्लिक को सब पता है, बल्कि एक स्टेप आगे, पब्लिक को सिर्फ ये पता नहीं है, पब्लिक बहुत आगे तक जानती है और वो अब नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, अगर आपको इस चीज़ का खौफ नहीं है तो फिर आपको ये हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। मियाँ साहब, आपने कहा ना जब धरना था 126 दिनों का, मैं आई विटनेस हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मियाँ साहब के साथ थी, एक दिन, मैं हल्फन आपको बता रही हूँ, एक दिन मियाँ साहब ने इमरान खान की स्पीच नहीं सुनी। वो होता है ना, इंसान टीवी पे बैठा होता है कि मेरी हुकूमत को इतना ख़तरा है मेरे दरवाजे के बाहर, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर आके डेरा लगा के बैठे हुए थे ना, हर रोज़ स्पीच करते थे और मीडिया लाइव दिखाता था, एक दिन मियाँ साहब ने उसकी स्पीच नहीं सुनी। वो स्पीच लगी होती थी और वो आराम से गुजर के अपने कमरे में चले जाते थे और जाके रेस्ट करते थे। तो मैं उनको कहती थी आप स्पीच की नहीं सुनते, वो कहते हैं ये टाइम मेरे पास नहीं है ये ज़ाया करने के लिए। तो कोई खौफ नहीं था, पब्लिक पीछे खड़ी थी, उसके साथ पब्लिक नहीं थी, मियाँ साहब के पीछे पब्लिक खड़ी थी, उनको पता था, वो कॉन्फिडेंट थे, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं था, इसलिए ना मीडिया पे सेंसरशिप की, ना पैमरा के ज़रिए हदायत जारी करवाईं, ना ये कहा कि किसी कन्विक्ट की जो है वो कवरेज नहीं हो सकेगी, बाकी कन्विक्ट की कवरेज होती है, सिर्फ मरियम नवाज की कवरेज नहीं हो सकती। और आपको एक 31 जुलाई को जो है नैब ने एक तरफ किया है, तो आप कोर्ट में भी गए थे, तो आप नैब के सामने पेश होंगी? देखिए मैं पेश हो जाऊंगी, जरूर हो जाऊंगी पेश, मैं देखूं तो सही। अब ये जो एक अभी कल परसों स्ट्राइक डाउन हुआ है मेरे खिलाफ, जो 1 साल बाद अचानक नैब की याददाश्त वापस आई थी, तो जाके देखूं तो सही इस वक्त कौन सी याददाश्त वापस आई है, 1940 की आई है, 1950 की आई है, 1960 की आई है, 1970 की आई है, तो देखना पड़ेगा। अच्छा, मैडम ये बताएंगे, डॉक्टर अदनान जी का एलियत के ऊपर ये सवाल उठाया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो दिल के डॉक्टर नहीं है बल्कि एमबीबीएस डॉक्टर है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो नेक्स्ट वीडियो है वो कब लेंगे लोग? डॉक्टर अदनान की एहलियत पे सवाल उठाया, ये क्या मजाक है, क्या मजाक है ये? डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर अदनान एक बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने PhD भी की हुई है, मैं इनका CV यहाँ पे नहीं गिनवा रही, लेकिन ये मियाँ साहब का हक है, उनकी सवाब दीद है कि वो 15 साल से जिस डॉक्टर के ऊपर उनको एतमाद है, जिस डॉक्टर के हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी हुई है, जिस जो डॉक्टर ने बड़े अच्छे तरीके से उनका इलाज किया है, इन कनेक्शन विद हिज ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स बोर्ड जो बाहर उनका बना हुआ है उनके साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब गवर्नमेंट को इस किस्म के फजूल एतराजात करने चाहिए, उनके पास जब कोई और बात नहीं होती तो ऐसी बातें लेके आ जाते। और आपने जहाँ तक दूसरी वीडियो उसका कहा, देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी ये बात की कि अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैंने कोई ऐसी डर्टी गेम खेलनी होती, तो मैं वो वीडियो सामने ले आती। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं जिनको जो मैं जहाँ जहाँ से हो सकते थे उन सब जगहों से, तो मैं जिम्मेदार शहरी हूँ। मुझे, मैं इमरान खान नहीं हूँ कि अपनी गंदी कारकर्दगी को छुपाने के लिए इदारों को बीच में घसीटूँ और इदारों को बदनाम करूँ, तो मैं इस चीज़ इसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पॉइंट लाना चाहिए
कोई मोड ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब बताना पड़े कौम को। लेकिन ये मैं एक बात बता दूं, एक मिनट, ये सारी बात जो है ना पर्दों के पीछे, एक सेकंड, पर्दों के पीछे क्या होता है, पर्दों के पीछे क्या खेल खेला जाता है, अगर इसके बारे में कोई चीज सामने आती है तो वो 22 करोड़ आवाम के सामने जरूर रखी जानी चाहिए। मैं देखूंगी जब फारग फरागत होगी तो बुक लिखने का भी सोचूंगी। मैं आपको इस चीज का जवाब दे चुकी हूँ। ये जो तीन पिटिशन्स हुई थी, इनमें से दो बड़ी मिस्टीरियस किस्म की पिटिशन्स थी, जो हर दफा मियाँ साहब के खिलाफ वही बंदा कहीं से अचानक निकलता है और उसने कोई झूठी मूठी पार्टी बनाई हुई है, वो अचानक निकलता है और किसी के कहने पे वो पिटिशन दायर हो जाती है और 24 घंटों के अंदर वो पिटिशन टेकअप हो जाती है। तो मामला तो उनके सामने है ना, या मेरे दरखास्त देने से मामला सामने आएगा? तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इसका ऑपोजिट होता, कोई चीज मेरे खिलाफ होती, तो क्या अग्रीव्ड पार्टी का अदालत में जाने का इंतजार होता? इस वक्त मैं जेल में बंद होती। इंसाफ का मेयार सबके लिए एक ही होना चाहिए। मैं इस मुल्क की बेटी हूँ और जो जजेज हजरात हैं उनकी अपने घरों में भी बेटियाँ भी हैं, तो उनको ये इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि एक बेटी अपने बाप के लिए और एक पाकिस्तानी तीन दफ़ा के वज़ीर आज़म के लिए इंसाफ मांग रही है। जी कौम को कोई कंफ्यूजन नहीं, कौम को सॉरी कौम को कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कौम को यह पता है कि एक मिनट, जब कौम को यह पता है कि कौम ने उनको इलेक्ट नहीं किया, तो उनको यह भी पता है कि उनको किसने सेलेक्ट किया। थैंक यू। जी फरमाइए। नैब के पास कुछ नहीं, नहीं ये मिसाल भी नहीं बनती, उनके पास कुछ नहीं है। देखें मियाँ साहब को जेल में डाला तो मैं सामने आई, मुझे हटाएंगे तो कोई तीसरा आएगा, तीसरे को हटाएंगे तो चौथा आएगा। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अवामी जमात है जिसकी बहुत बड़ी अवामी सपोर्ट है, तो सच तो रुकने वाला नहीं है। किस किस को बंद करेंगे? सच तो रुकने वाला नहीं है। और अगर किसी को ये जोम है, उसको अपनी ताकत और उसको इतना जोम है कि वो आवाज़ बंद कर सकता है, वो सच को रोक सकता है, तो मुशर्रफ का हाल सारी दुनिया के सामने। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती। उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। अंकल आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं क्या कहूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैंने जो कहा था जमाना वो देख रहा है। वाह, 3 साल के अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहा था वही हो रहा है या नहीं हो रहा। हर मौजूदा जजेस भी है, मैंने उस दिन परसों सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है चीफ जस्टिस साहब के सामने कि जनाबे वाला जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर खड़ा होके कहा हुई बात। मैं चूंकि उस वक्त इमरान खान का सदर भी था, उनका मैं पार्लियामेंट बोर्ड का चेयरमैन भी था, मेरे सारे सामने उन्होंने जो बातें की थी मैंने उससे इख्तलाफ किया था। और मैं आपको अर्ज कर दूँ, पूरी जो उनकी हाई
और कमान थी वो सब ने कहा था इमरान खान इस तरीके से करेंगे तो हम पपेट बन जाएंगे, हमें लोग सिलेक्टेड तो कहेंगे। आज मैं कहता हूँ मेरा कहना मान लेते तो आज जैसा सिलेक्टेड की गाली सुन रहे हैं। मैं उनको कहता था इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनो, उनको शौक था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो गाली सुन रहे हैं। कौम किसके साथ खड़ी थी हो सकती, मियां नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है वो कभी न लीडर थे। आप मुझे बताएं अमेरिका के अंदर भी बैठ के मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के बारे में इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। ये क्या है दुआएं मांगने वाला, दुआएं मांगने वाले तो शामूद को लेके गया है, मुझे भी लेके जाता, दुआएं मांगने वाले तो हम है, तो खुदा का नाम मानो ये दुआएं मांगने वाला है। तो बात ये है कि एक बात अमेरिका के सदर ने स्टैंप लगा दी कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हमारे लिए इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं थी, ताबेदार नहीं थी, वो हमें कबूल नहीं थे, हमने उनका पैसा बंद कर दिया था, इनको पैसा देंगे, इनको चूरी भी खिलाएंगे क्योंकि ये हमारे मियां मिट्ठू हैं। और आप ये देखें, ये इन्होंने जो बात की, मुझे पाकिस्तानी होते हुए मेरा सर शर्म से झुक गया। सिलेक्टेड साथ बैठा हुआ था और ट्रंप उसको ये कह रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने बातें नहीं मानी और अब अगर गवर्नमेंट एक ऐसी आई है तो इमदाद जो है वो दोबारा खुल सकती और सिलेक्टेड सिलेक्टेड होता है और जहाँ ताकत बोल रही होती है उसका उसकी मजाल नहीं कि उस ताकत के आगे बोले, वो सर झुका के बैठे हुए बड़ा मीक सा और नो रिस्पॉन्स एट ऑल, शर्म का मुकाम है। हाँ जी कीजिए। आपने मियां साहब के यहाँ पर कुर्बानियाँ वापस आए थे, पीएम साहब उनसे टीवी एसी सब कुछ ले लिया जाएगा, ऐसे ही ले लिया जाएगा, आप सोच रही हैं इंसानी हकूक के आलमी इदारों से मुखातिब किया जाए? मैंने जवाब दिया है, सवाल नहीं रिक्वेस्ट है, क्या आप एंटी जुडिशरी और एंटी सर्विसमेंट बातें ना किया करें ताकि आपको कवरेज दे सके? आपको मैंने कौन सी एंटी, एक मिनट अब आप मुझे बताएं कि मैंने एंटी जुडिशरी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्या बात की, जरा बताएंगे? वो एंटी जुडिशरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, लेकिन वो एंटी जुडिशरी वीडियो है, वो एंटी जुडिशरी वीडियो है। नहीं नहीं ये गलत है, एंटी जुडिशरी वीडियो नहीं है, वो एक पाकिस्तान के साथ जो खेल खेला जा रहा है ना और सदियों से और वो 70 साल से पीछे से खेला जा रहा है, वो उसको एक्सपोज करता है। और आप उसको अगर आप जो इस तरह की हरकतें करते हैं ना वो हैं एंटी इंस्टीट्यूशन, जो उसको ये कहते हैं कि इसकी तस्सीह करो, ये धब्बों को मिटाओ, वो एंटी नहीं है, वो प्रो हैं, वो चाहते हैं कि जुडिशरी की जो ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगाए उसका जवाब दिया जाए और जुडिशरी को भी रेस्क्यू किया जाए जो इल्ज़ाम उनको उनके ऊपर लग रहे हैं, जो इदारों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं इमरान खान की सपोर्ट के, वो इमरान खान की सपोर्ट जो है ना वो एक सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट है, तो आप इदारों को उसकी सपोर्ट के अंदर ला के आप बाकी पाकिस्तान से लड़ाएंगे इंस्टीट्यूशंस को? मुझे ये बताएं कि अगर कोई भी इदारा ये फील करता है, मुस्लिम लीग नून के करोड़ों वोटर्स हैं करोड़ों, अगर वो ये फील करेंगे कि इदारों के बलबूते के ऊपर इदारों की ताकत के ऊपर हमारी लीडरशिप को हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सामने इदारे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? इदारों को तो बिल्कुल अवाम वर्सेस इदारा सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इस वक्त मीडिया पूरी दुनिया में होता सुन होता है, पाकिस्तान में मीडिया पे जिस तरह सेंसरशिप लगाई गई है, आप क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो किरदार है वो कितना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कितना ज्यादा उसकी अहमियत होगी और आपकी जमात क्या सोशल मीडिया के ऊपर मजीद काम करेगी, क्योंकि मीडिया में मुकम्मल सेंसरशिप है? साथ
ये सब क्यादत बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला क्यादत करने वाले कम नहीं हैं। और आप गिरफ्तारियां कर कर के थक जाएंगे, क्यादत करने वाले कम नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है, नंबर वन। और नंबर टू, मैं आपकी के वर्करों ने क्यादत संभाल लेनी होती है। नहीं, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन फैसला, मैं यही कहने लगी थी कि फैसलाबाद के अंदर आपको, आप जानते हैं, आप बोले ना बोले एक अलग बात है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्स्ट वर्स्ट हथकंडे इस्तेमाल किए इन्होंने। मेरी रैली जो थी उसमें जब मेरी गाड़ी आगे निकल गई तो मेरी गाड़ी को गुजार के रैली को ब्लॉक कर दिया, पीछे से रैली काट दी। और यकीन माने आधे घंटे के अंदर अंदर रात के 1 बजे रैली दोबारा बिल्ड हो गई और लोग आ गए। तो ये गिरफ्तारियों से लोग नहीं डर रहे, लोगों को ये पता है, कारकुनों को ये पता है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन वो दीवानावार आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ना उन्होंने अपने फैसले अपने हाथ में ले लिए। तो उस वक्त से डरना चाहिए जब अवाम अपने हाथ में फैसले ले ले। और मीडिया की जहाँ तक आपने बात की ना, ठीक है सोशल मीडिया एक हो सकता है सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं सबसे पहले तो इसी बात के खिलाफ हूँ कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो प्रिंट मीडिया हो, उसमें कोई पाबंदी लगनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है तो आप पाबंदियाँ नहीं लगाते, पाबंदियाँ सिर्फ और सिर्फ खौफ में लगती हैं। तो मैं तो इस चीज़ की ना सिर्फ मजम्मत करती हूँ बल्कि मैं मीडिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ, हाउसेस को, कि खुदा के वास्ते खड़े हो। अगर तुम डरोगे तो आपके ऊपर से पांव रख के ये गुजर जाएंगे। आप लोग सब इकट्ठे हों और आप लोग आईन का कानून का सहारा लें। कोई आईनी कानूनी चीज़ जो है ना वो आपकी इस बात को, आपके ऊपर पाबंदियों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो आप पॉलिटिशियंस को तो कहते हैं कि जी बहादुर होना चाहिए, वो खड़े भी होते हैं, वो सब कुछ अपनी कुर्बान भी दे देते हैं, कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा मीडिया को भी ताकत पकड़नी चाहिए, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर आप किसी को अलाउ करेंगे कि वो आपके साथ इस तरह खिलवाड़ करे, आपको नुकसान पहुँचाए, आपके पास पैसे ना हो, फिर आप देखें कल एक मीडिया हाउस के बारे में कैसे सिलेक्टेड ने जाके बात की। और अफसोस का मकाम है कि वो मीडिया हाउस, वही मीडिया हाउस वो बात चला रहा है। इतनी आपने डरा धमका के रखा और आप फिर झूठे, इतना ज़बरदस्त आप ब्लेटेंटली जिसको कहते हैं झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं 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 मीडिया पे तो कोई पाबंदी नहीं है। शर्म का मकाम है। तो बात तो पहुंच जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद कर दें, मेरी रैली की 0 कवरेज हुई। मुझे ये भी पता चला कि जो ऑफिसर्स हैं वो फ़ोन कर करके मेरा एक एक टिकर भी रुकवाते रहे कि जो टिकर चलाएगा उस चैनल को भी शट डाउन कर देंगे। उसके बाद अगले दिन अखबार में मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई खबर आई हो, नहीं आई ना खबर। तो क्या लोगों को पता नहीं चला? क्या फैसलाबाद में रैली नहीं हुई? क्या पूरा फैसलाबाद बाहर नहीं आ गया रात के 3 बजे? क्या फ़र्क पड़ा? आजकल व्हाट्सएप का दौर है, आजकल फेसबुक का दौर है, आजकल इंस्टाग्राम का दौर है, आजकल ट्विटर का दौर है, आजकल जो वीडियोस आती हैं लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ऐसा बंदा है जिसको ये नहीं पता चला कि ज़बरदस्त रैली थी। तो फिर पाबंदियां लगा के आप खुद आपकी अपनी नामोशी होती है। वैसे पर्चियां देख के पढ़ लेते ना अगर, तो बेहतर बात करते। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी को कहूँ कि इसके मुंह के आगे हाथ रख दो। अब ये कौन कहता है कि अगर इंडिया अपने जो न्यूक्स हैं वो रोल बैक करे तो पाकिस्तान भी करने को तैयार है? जो इलेक्टेड वजीर आजम था उसने कहा कि भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में आज पाकिस्तान ने वो हिसाब भी बराबर कर दिए। और किसने ये हक दिया है एक सिलेक्टेड आदमी को कि वो खड़ा होके अमेरिका के सदर से ये या अमेरिका में खड़ा होके ये बात करे कि मैं वो रोल बैक कर सकता हूँ? क्यों करूँगा? वो पाकिस्तान के हिफाजत की जमानत है। इसी वजह से दुनिया आज पाकिस्तान से जो बात करती है एक थोड़ा सा ये भी है। तो किसने उनको ये हक दिया? तो इससे तो बेहतर था पर्ची से पढ़ लेते। तो वो जो इनकी उनकी इतनी प्रोटेक्शन साइड पे थी ना, पहली दफ़ा हमने देखा
कि व्हाइट हाउस में सिलेक्टेड के साथ पूरी की पूरी क्यादत गई हुई थी, वो इसीलिए थी, सबको डर था कि ये कुछ ना कुछ बोल देगा, तो बेहतर था कि पढ़ लेते। आपने सवाल तो पूछ लिया, इंशाल्लाह। देखें जलसे तो सारे अच्छे हो रहे हैं हथकंडों के बावजूद, क्वेटा के बारे में आपने कहा तो हाँ जी मैं इंशाल्लाह ताला, अचकज़ई साहब ने जो जॉइंट अपोजिशन है जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, उन सब ने मुझे इन्वाइट किया था और मैं कल इंशाल्लाह ताला जा रही हूँ क्वेटा। अब दुआ करो कि जहाज चला जाए मेरा, ये ना हो कि ऐन वक्त पे जहाज को रोक दें, ये भी वो कर सकते हैं क्योंकि वो जो वहाँ पे मुझे जो होस्ट हैं उनको ये भी फिक्र है कि आखिरी वक्त पे मेरा जहाज ना रोक दिया जाए। तो मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला और वो जॉइंट अपोजिशन का जलसा है इंशाल्लाह बहुत जब। जी मुझे तो आवाज नहीं आ रही। देखें अगर किसी भी ऑप्शन पे हम सोचें, एक मिनट, किसी भी ऑप्शन पे हम सोचेंगे ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसकी वजह ये नहीं होगी कि हमें दीवार से लगा दिया या नहीं लगा दिया, उसकी वजह ये नहीं होगी, उसकी वजह ये जो मुल्की हालात है ना जो तेजी से तनजली की तरफ जा रहे हैं और आवाम के ऊपर जो क्यामत टूटी हुई है महंगाई की सूरत में और जो फेलियर्स हैं इनके, तो पेश नज़र तो सिर्फ अवाम का जो भलाई है, उसमें क्या तरीका हम आजमाएंगे या क्या किस चीज़ पे अपोजिशन जमातों का फैसला होगा वो फिर रेबर कमेटी बैठी हुई है और रेबर कमेटी में ये चीज़ें डिसाइड होंगी, जब जॉइंट अपोजिशन का जो भी फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। एक आखिरी आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको ऐसे आराम से बता दूंगी कि कहां से मैंने प्रोक्योर की और कहां है वो? फिर मैं देखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जवाब आपने मैडम मालकान के साथ भी आप सबके साथ हम करती हैं।